गोरखनाथ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सड़क के दोनों पटरियों के दुकानदारों और मकानों को तोड़ जाने के फरमान से स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसको लेकर गोरखनाथ व्यापार मंडल ने शुक्रवार से दो दिन के बंदी का ऐलान किया, जिसके विरोध तहत आज गोरखनाथ की सभी दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ क्षेत्र के दुकानदारों ने बताया। ये जो बार बार आ रहे हैं, हर तीन महीने पे, दो महीने पे, पहले जो इन लोगों ने नापा रोड चौड़ा करने के लिए 15 मीटर दोनों तरफ मतलब 15 मीटर, 7.5 मीटर उधर, 7.5 मीटर इधर, उसके बाद फिर आए, फिर जो है इन्होंने 20 मीटर नापा, 10 इधर 10 उधर, उसके बाद तब भी कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर ये आए 22 मीटर 11 इधर 11 उधर। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग एक एक मीटर बढ़ाते क्यों जा रहे हैं। और ये हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि विरोध किया जाए इसका, कि आप लोग क्यों कर रहे हो। और इसमें 11 मीटर में काफ़ी दुकानें, काफ़ी मकान जो एकदम खत्म हो जा रही है। 99% लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। 100 साल पुरानी ये मार्केट गायब, वीरान हो जाएगी। कमर्शियल बस तो खत्म। और कल, हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, कल उनसे मुलाकात की जाएगी और उनसे कहा जाएगा भाई आप ही योगी जी हमारे माई बाप हैं, वही कुछ हला भला कर सकते हैं। ये हम लोग की रोजी रोटी के 70-80 वर्षों से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर रहते आए हैं, घर भी यहीं हैं, मकान भी यहीं हैं, दुकान भी यहीं हैं, सब कुछ होते हुए अब ये 11-11 मीटर हम लोग सुन करके एकदम बेघर हो गए हैं। एकदम हम लोग के घर में तब से समझ लीजिए कि चैन से कोई रह नहीं रहा है। हर चेहरे पे उदासी छाई हुई है कि जब हमारा व्यापारी चला जाएगा तो घर कैसे रहेगा। हम करने जाएंगे, दया करने जाएंगे, आप माई बाप हैं, आप ध्यान दीजिए हम लोग पर, कुछ अला भला कीजिए।